हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केड़ा हाल है, कैसा कहा है। राइट नाउ आई एम एट सिकंदरपुर साइबर हब और ये है कुछ साइबर हब। और चलिए आज साइबर हब चलेंगे और साइबर हब का तो देखेंगे। और यहाँ पे सारे स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स दिख रहे हैं और चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये था रैपिड मेट्रो, तो मैंने रैपिड मेट्रो से फिर आया इधर की तरफ साइबर हब। तो ये रास्ता जा रहा है साइबर हब की तरफ। तो आपको साइबर हब आने के लिए सिकंदरपुर से रैपिड मेट्रो पकड़ना पड़ेगा। रैपिड मेट्रो में बैठेंगे फिर आपको मिलेगा इंडस इंड बैंक। तो वहाँ पे जब उतरेंगे तो आपको साइबर हब के लिए, ये रास्ता जाता है साइबर हब के लिए, तो आपको सिकंदरपुर से चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप रैपिड मेट्रो पर बैठिए और फिर इंडस इंड बैंक स्टेशन आता है, तो फिर उसके बाद आपको साइबर हब में इधर की तरफ आप आ जाओगे। तो चलिए चलते हैं साइबर हब की तरफ। तो ये है इंफिनिटी टावर एग्ज़िट, तो अंदर चलते हैं साइबर हब की तरफ। और इस मेट्रो का आप देख लीजिएगा, नाम है इंडसइंड बैंक साइबर सिटी। तो आप यहाँ पे उतरिएगा। तो ये है साइबर हब और यहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं। तो आइए अंदर चलते हैं साइबर हब के अंदर और साइबर हब देखते हैं कैसा है। सो फ्रेंड्स, ये है साइबर हब और मैं अंदर आ चुका हूँ। तो आप भी देखिए साइबर हब, और आप, ये मस्ट विज़िट प्लेस है इन दिल्ली, तो आप यहाँ ज़रूर आइए साइबर हब को एक्सप्लोर ज़रूर करिए, देखिए। तो ये है साइबर हब, कुछ ऐसा दिखता है। तो अंदर की तरफ चलते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं और बड़े बड़े बिग ऑफिसेज आ रही है। तो मस्ट विज़िट प्लेस है, आप दिल्ली आ रहे हो इधर गुरुग्राम की तरफ आओ और इधर ज़रूर आओ। सारे रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। आप भी एक्सप्लोर करो, देखो क्या है साइबर हब में, कुछ ऐसा दिखता है साइबर हब। तो साइबर हब की वाइब्स अलग हैं और यहाँ पे सारे मुझे तो रेस्टोरेंट्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं और मेनली ऑफिसेज हैं ऊपर की तरफ, और सारे ऑफिस हैं यहाँ बड़े बड़े। और आपको खाने की कमी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, आपको कुछ ना कुछ अलग अलग मिलते रहेंगे। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ का साइबर हब का। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ न्यू थीम्स दिखते रहेंगे। यहाँ पे बनारस का पान भी मिल रहा है, नाम है इस पान वाले का बनारस। तो आप आइए इसको खाइए, देखिए ये पान। और ये कैफेज हैं यहाँ पे, चिलीज़, फर्जी कैफे और चायोज़। और आपको खाने की तो यहाँ पे कमी नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ अलग अलग टेस्ट और अलग अलग कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट्स में अलग अलग खाने मिलते हैं। तो ये देखिए मेड इन पंजाब, तो मैं इस टाइम हूँ साइबर हब। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, ये अलग ही जगह है और अलग ही वाइब्स है यहाँ की। द बिग चिल केकरी करके ये कुछ है और लोग यहाँ पे लंच या शायद बेकरी की शॉप, तो कुछ ऐसा है यहाँ का हाल। साइबर हब आप देख सकते हो साइबर हब कैसा है। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे सारे मोबाइल के भी शॉप्स दिख रहे हैं और यहाँ पे सब बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। और ये देखिए सब बड़े बड़े ऑफिस, और नीचे आपको सारे खाने पीने मोबाइल्स के शॉप और सब कुछ मिल जाएंगे। ये कुछ यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए बनाया हुआ है और सामने स्क्रीन भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। या आप बैठ के स्क्रीन का एंजॉय भी कर सकते हो। यहाँ पे कभी कभी मैच भी चलते रहते हैं, तो लोग यहाँ आते हैं, मैच भी देखते हैं और अपना यहाँ बैठ भी सकते हो आप। तो दिल्ली में ये
अच्छी जगहों में से एक है। आइए देखिए ज़रूर इसको और इन्जॉय करिए इसको साइबर आपको। तो चलते हैं ऊपर थोड़ा स्टेज की तरफ और थोड़ा लंच करते हैं। मैंने अपना मील तो साथ में ले आया था, तो पहले मील कर थोड़ा सा मील खाएंगे और फिर उसके बाद इसको और देखेंगे साइबर हब को। कुछ ऐसा दिख रहा है साइबर हब, पूरा इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो आप भी साइबर हब देखिएगा, फिर से थोड़ा सा लंच करते हैं पहले। तो पहले बैठ जाते हैं। कुछ बैठने के लिए भी इन्होंने चेयर्स और टेबल्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसा है, आराम से आप यहाँ से बैठ सकते हो। आइए यहाँ बैठते हैं, उस तरफ चलते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट प्लेस है। और कुछ शॉप्स देखिए, शॉप्स के नाम बहुत ही अमेजिंग है। बंटा है, बनारसी, पटियाला, हर्ज, मर्ज की दवा, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग आइलैंड आइस टी, ये सब यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। पुराने थीम्स हैं तो ये सब चीज़ें, साइबर हब, सोशल, ये सब चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं यहाँ पे, इसीलिए साइबर हब इससे अलग बनता है। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, लोग बैठ के मैचेस देखते हैं, कभी कभी म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो पहले बैठते हैं और लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको साइबर हब फिर से थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। तो पहले सीट, कुछ ऐसी सीट्स हैं यहाँ पे साइबर हब पे, और साइड सारे रेस्टोरेंट्स, और ऊपर में आपको सारे के सारे बिग कंपनीज मिल जाएंगे। तो चलिए बैठते हैं, थोड़ा लंच कर लेते हैं, लंच के बाद फिर देखते हैं साइबर हब को। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का मील, राइस एंड मटर पनीर। तो इसको पहले फिनिश करते हैं, और सामने का व्यू भी बहुत अच्छा है। सामने कुछ वीडियोस चल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्जॉय कर रहे हैं साइबर हब में। तो आप भी इन्जॉय करो, मैं तब तक ये फिनिश करता हूँ। तो इसके बाद फिर मिलते हैं साइबर हब को और देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आई हैव कम्प्लीटेड माई मील। तो अब और थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं साइबर हब। सारे शॉप्स हैं, एडिडास, यम चाय, ये शायद जैपनीज़, कुछ खाने पीने के लिए जैपनीज़, अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हो। तो कुछ ऐसा है साइबर हब, और यहाँ पे सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे ये टॉय से इन्जॉय कर रहे हैं, देख सकते हो आप। कुछ ऐसा है, ये बाइक है शायद, ये बाइक ही है, और वो शायद इलेक्ट्रिक है। तो और चलते हैं, देखते हैं और कौन सी शॉप्स हैं यहाँ। फॉरेस्ट एसेंशियल्स, लग्जरियस आयुर्वेदा, ये भी है, और चाय पॉइंट। चलते हैं फिर ऊपर की तरफ, देखते हैं ऊपर क्या है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर और कौन से रेस्टोरेंट्स और शॉप्स हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ से। कुछ ऐसा है नज़ारा साइबर हब का, अलग ही है, आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप यहाँ ज़रूर आओ। और बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रेपर्स बहुत ही बहुत गजब हैं। तो यहाँ पे सारे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे ऑफिसेज, और इधर की तरफ सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये थी हिमालयन किचन, ये है यहाँ का रेस्टोरेंट है, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस। देखते हैं इधर और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ है, और ऑफिस प्लस सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो और आगे चलते हैं,
आसपास देखते हैं। आज तो कुछ शॉप्स है। अच्छा, ये नाइकी साइबर, अब ये लग रहा है यहाँ पे नाइकी के शॉप खुलने वाली है। पहले ये सब खुले रहते थे मगर लगता है कोविड में शॉप्स बंद हो गए हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स रहते थे तो लग रहा है कि बहुत सारे शॉप्स कोविड की वजह से बंद हो गए हैं। नीचे डाउन स्टेयर्स तो बहुत सारे शॉप्स और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, और इधर एक दो मैं देख रहा हूँ कि बंद हैं, मे बी कोविड का इफेक्ट हो। तो आपको यहाँ पे सागर रत्ना भी मिल जाएगा, ढाबा भी मिल जाएगा, और वो सामने एक बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर आपको दिख रहा है, मुझे तो नहीं पता वो क्या है, शायद होटल हो सकता है या ऑफिस हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो क्या है, और कुछ ऐसा है यहाँ का साइबर ऐप का हाल आप देख सकते हो। तो हल्दीराम भी यहाँ पे है, और इसके अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ अंदर का सीन है। तो फ्रेंड्स, ये है साइबर हब, और साइबर हब का ये है नीचे वाला सेक्शन जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स, और इस साइड आपको मिल जाएगा साइबर हब सोशल, इसका नाम है साइबर हब सोशल, और इनके थीम्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डेजर्ट, नाम भी बड़े यूनिक हैं, भंटा है, बनारसी, पटियाला, लॉन्गेस्ट आइसलैंड, आइस टी, हर मर्ज की दवा, कामकाजी दवा दारू, तो ये सब यूनिक चीज़ें हैं साइबर हब सोशल। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो वर्क फ्रॉम सोशल, काम करो, बियर पियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग पॉइंट, तो कुछ इन्होंने यूनिक बनाया है, अलग रेस्टोरेंट है सोशल। और यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है शोले का, आप देख सकते हो ये है शोले का, और ये बहुत ही अलग है साइबर हब का ये सोशल। और देख सकते हो अंदर बैठने के लिए भी है, ये बड़ा ही अच्छा बनाया है, आप अंदर बैठ भी सकते हो, यहाँ खा भी सकते हो, तो बड़ा यूनिक वे है। इस रेस्टोरेंट का नाम है बर्मा रेस्टोरेंट टी रूम। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की तो कमी होने वाली नहीं है, और आपका एंजॉयमेंट अच्छा खासा यहाँ होगा, बहुत ही अलग जगह है, यहाँ की वाइब्स ही अलग है। आप यहाँ पे ज़रूर आइए, मस्ट विज़िट प्लेस है ये, गुरुग्राम में है ये। तो आप देख सकते हो ये साइबर हब है। तो फ्रेंड्स, ये था साइबर हब गुरुग्राम में मैं था, और ये कुछ ऐसा था साइबर हब, सारे ऑफिसेज और नीचे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स। तो आई होप ये व्लॉग आपको देख के अच्छा लगा होगा। तो फिर टिल देन अगले व्लॉग में फिर से मिलेंगे। आई होप ये व्लॉग आपको बहुत बहुत पसंद आया हो। तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू माई लवली फ्रेंड्स, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। बाय बाय, जय हिंद।